है बोले। जिस तरह से थाना में और जो मुंब्रा का मामला हुआ, आप उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आपस में आमने सामने आए? नहीं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, नहीं तो उनके औकात क्या है? एकनाथ शिंदे आज गैर कानूनी तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, उनको बिठाया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक पुराना सपना है, शिवसेना को तोड़ो खत्म करो, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना सपना है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे, बहुत बार कोशिश की। तो आप ईडी सीबीआई के माध्यम से हमारे कुछ लोग तोड़कर एक नई सरकार बना लिए, छोड़ दीजिए, और अब हमारे ही लोगों को आमने सामने खड़ा करके महाराष्ट्र में मराठी लोगों में फूट डालने का काम बीजेपी कर रहे हैं, जो हर स्टेट में कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। इतना शिंदे कोई ताकत नहीं है, इतना शिंदे के साथ जो 40 लोग गए हैं वो शिवसेना नहीं है। असली शिवसेना क्या है वो आपने कल मुंब्रा में देखा है, जब उद्धव ठाकरे मुंब्रा में गए तो लगभग पूरा मुंब्रा थाना सड़क पर उतर आया था, ये शिवसेना है। अगर आप मुख्यमंत्री नहीं होते या पुलिस का इस्तेमाल नहीं किया होता या दिवाली नहीं होती तो आज वो शिवसेना का कब्जा हमारे शाखा का कब्जा हमारे पास हो जाता। लेकिन हम दिवाली के समय पे कोई बखेड़ा नहीं करना चाहते, लोगों का त्योहार है, फिर पुलिस स्टेशन से वो आपके दबाव रहेगा पुलिस स्टेशन के ऊपर, पुलिस आपके गुलाम है, आज कल यही पुलिस हमारे आदेश मानेंगे तो आप क्या करोगे? मुंब्रा की शिवसेना शाखा के बारे में एक लीगल बैटल भी चलेगा, पूरे कागजात शिवसेना के पास है। इतना शिंदे वाली शिवसेना ये कोई शिवसेना नहीं है, ये गैंग है, ये चोरों की टोली है, और ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है, और जो कानूनन लड़ाई चल रही है उसमें भी यही तय होगा। तो बीजेपी की नजर है थाना में, इस तरह से आपस में बीजेपी ऐसे कि बीजेपी की नजर हमेशा ये होती है कि दो लोग झगड़ा करें और हम जाकर वहां हमारा काम कर ले, यही तो बीजेपी की नीति है ना, ऐसा समझना चाहिए लोगों को। डिवाइड एंड रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ये बीजेपी का ही काम है ना, वही विचार है बीजेपी का। बीजेपी का कहां राष्ट्रवाद का विचार है? बीजेपी का विचार है जात धर्म के आधार पर देश को तोड़ो, राज्य को तोड़ो, पार्टियों को तोड़ो और अपना काम कर लो। बीजेपी के पास और कौन सा विचार है मुझे बताइए, बीजेपी क्या है? बीजेपी के पास विचार कौन सा है, क्या विचार है मुझे बताइए, अगर कोई बताएगा ही बीजेपी का विचार है। बीजेपी का विचार क्या है? शिंदे बीजेपी विचारों के प्रचारक है? महाराष्ट्र में अजीत पवार बीजेपी विचारों के प्रचारक है? आज जो आसाम के मुख्यमंत्री है, कल बीजेपी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप कर रही थी, वो क्या बीजेपी के विचारों के प्रचारक है? आप बताइए मुझे कौन है बीजेपी के। अब बीजेपी का विचार क्या है? बीजेपी का विचार कोई नहीं, सत्ता पैसा और अपने अपने जो उद्योगपति है उनको धनवान बनाना, गरीबों को ज्यादा गरीब बनाना, लोगों को गुलाम बनाना, ये बीजेपी का विचार है। तो मुख्यमंत्री म्हणतात उद्धव ठाकरे उसका वाद होता वाजलेला युक्तर मारून त्यांना निघावं लागलं, तरी आम्ही फटाके वाजवले। बघा त्याच्यावरती आता खूप बोलून झालेलं आहे। मुख्यमंत्री पदावर आपण ज्या दिवशी नसाल बरं का, तेव्हा तुमचा बार कुठे उडेल त्या आधी बघा, वरून उडेल की खालून उडेल, फक्त आपलं मुख्यमंत्रीपद जाऊ द्या 31 डिसेंबर नंतर, हा मग आपण कोणत्या बारमध्ये आहात ते कळेल। शिवसेनेचा बार 50 वर्ष उडतोय बाळासाहेब ठाकरेंपासून, भाजपने तुमचा बार उडवलाय तो बघा आधी, हा 31 डिसेंबर नंतर बोला आपण। भारतीय जनता पक्षाच्या गुलामांनी, भारतीय जनता पक्षाच्या किंवा दिल्लीतल्या भारतीय जनता पक्षाच्या चरणदासांनी, ज्यांनी महाराष्ट्राची बेआबरू केली आहे, मराठी माणसाची बेआबरू केली आहे, त्याने शिवसेनेला ज्ञान देण्याचा प्रयत्न करू नये। मुंब्र्याला आम्ही गेलो,
हजारों शिवसैनिक रस्त्यावर उतरले होते, पोलिसांनी आम्हाला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, नक्कीच संघर्ष टाळला. तुमच्याकडे जर सत्ता नसती आणि पोलीस नसते तर चित्र वेगळं दिसलंच असतं. दिवाळी आहे, आम्ही संयम राखला, याचे उपकार मानले पाहिजेत त्यांनी. ये डर है बीजेपी के मन में, जो अपने विरोधी है उनको काम नहीं करने देना. महाराष्ट्र हो गया, पश्चिम बंगाल में चल रहा है, राजस्थान में रेड्स हो गए, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है और जहां बीजेपी 2024 में हार रही है वहां बीजेपी यही कर रही है. लेकिन लालू यादव और उनका परिवार बहुत मजबूत है, वो टूटेगा नहीं. और हमारे एकनाथ शिंदे जैसा घुटने भी नहीं टेकेगा, वो लड़ते रहेगा. और जब लालू यादव और तेजस्वी यादव की लड़ाई शुरू होगी तो हम सब उनके साथ रहेंगे, हम सब उनके साथ रहेंगे. ते आताच भाजपमध्ये आहेत ना, तेव्हा कशाला जायला पाहिजे. तुम्ही त्यांचे जरी अंतर्वस्त्र पाहिली त्याच्यावर कमळच आहे. त्यांच्या जे फुल पॅन्टीमध्ये आतमध्ये खाकी हाफ चड्डी त्यांनी आताच घालायला सुरुवात केली आणि आतमध्ये कमळाची अंडरवेअर आहे. तुम्ही आता पहा ना, तुम्ही जर कधी गेलात तिथे तर त्यांना सांगा, दाखवा, तुम्हाला दिसेल. त्याशिवाय ते मुख्यमंत्रीपदी किंवा मंत्रीपदी राहू शकत नाहीत, नंतर कशाला जायला पाहिजे. आताच गेले आहेत ते, आताच ते गुलाम झाले आहेत आणि गुलामांना स्वतःचं मत आणि स्वाभिमान नसतो. चलिए, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें. और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.